Assalamu alaikum. Welcome to the In Time Study Advisors YouTube channel. My name is Dr. Mahajan. Hamari team In Time Study Advisor aap sab logon ki in sari countries ke medical university mein admission karwa sakti hai. Aaj ki is video mein main aap sab logon ke saath in sari countries mein se China ke ek medical university ki information share karne ja rahi hu. Video ki information ki taraf jaane se pehle main aap logon ko itna bata do ki hamari channel ko subscribe kare. और हमारे चैनल को विजिट भी करें. जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें. आप लोग हमारा चैनल विजिट करके किसी और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. तो चलिए वीडियो की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं. अच्छा जी, तो आज जिस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन में आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उस यूनिवर्सिटी का नेम है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये यूनिवर्सिटी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी में है और बहुत ही प्यारे प्रोविंस में है. इस यूनिवर्सिटी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी. अच्छा, तारीफ की तरफ नहीं जाते, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बता दूं, आप लोगों के लिए ये इनफ है कि ये यूनिवर्सिटी बीजिंग से बहुत ही नज़दीक है. बीजिंग कैपिटल सिटी ऑफ चाइना है. आप लोगों को पता ही है कि वो कितना खूबसूरत सिटी है. उस सिटी से ये सिटी फास्ट ट्रेन पर सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे. और चाइना में 2 घंटे का ट्रैवल कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत कंफर्टेबल है. आप पूरा चाइना बहुत आराम से घूम सकते हैं फास्ट ट्रेन पे. जब 2 घंटे का सफ़र हो तो समझ लें कि आप सेम ही सिटी पे हैं. तो ये बीजिंग के साथ है, दैट्स इनफ. और कोई तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है. और मैं आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी डिटेल भी बताऊँगी. यूनिवर्सिटी करते हैं आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है. तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. यूनिवर्सिटी की स्टडी के रिलेटेड बात की जाए तो जब ये कैपिटल सिटी के नज़दीक यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट की कितना ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर प्रेशर होगा. तो स्टडी तो परफेक्ट है ही. इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एक्टिव रहना चाहते हैं उनके लिए हर तरह का गैंग भी मौजूद है. और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं. और ख़ास करके चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के टीचर जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं. अगर टीचर्स आपके साथ फ्रेंडली हों तो फिर आपको स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है. इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल भी है. गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल अलग अलग है, जो कि पाकिस्तानी मोस्टली पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल अलग है. जी हाँ, हर यूनिवर्सिटी में चाइना के गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल अलग है. और मैं आप लोगों को इस वीडियो के बीच में एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा जो चाइना में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो हर लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में खुद स्टडी करते हैं और स्टूडेंट को उसी तरह से रखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके जो बच्चे हैं वो चाइना जा रहे हैं, वो सेम हॉस्टल में रहेंगे, ये सब कुछ भी नहीं है. वो आप लोगों को बिल्कुल पाकिस्तानी तरह का माहौल आप लोगों के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे. और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में हैं. तो आप लोगों को बहुत ही फ्रेंडली माहौल मिलने वाला है. इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को हलाल फूड भी आराम से मिल जाएगा. हर चीज़ आपको जो चाहिए एक यूनिवर्सिटी में वो आपको इस यूनिवर्सिटी में लाजिम मिलेगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो आपके मैट्रिक एंड FSC का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए जो आप अपने आसपास किसी भी पुलिस स्टेशन से जाकर बनवा सकते हैं, और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी चाहिए जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और साथ साथ एडमिशन फॉर्म भी चाहिए जो हमारी टीम आप लोगों को प्रोवाइड करेगी. आपने जब भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप सबसे पहले हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे. आप लोग हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं. ऑफिस का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप घर बैठ के ऑनलाइन हमारी टीम के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. तो ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है हमारी टीम के व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर. हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारी टीम जो है वो आपको एक एडमिशन फॉर्म देगी, आप वो फिल करेंगे और साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो साथ मिला के आप हमें देंगे और फिर हम आपका एडमिशन के लिए आगे अप्लाई करेंगे. ये यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेम प्रोसेस.
अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बताती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कुछ तो गड़बड़ होगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं रैंक के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी का रैंक भी बहुत ज़बरदस्त है। ये यूनिवर्सिटी PMC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान आएंगे तो आप PMC के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और आगे पाकिस्तान में हाउस जॉब भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी WHO से भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और ECFMG से भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और आपको क्या चाहिए? चले जी, यूनिवर्सिटी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, जो आपका मेन पॉइंट आपके माइंड में चल रहा है फी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं हम लोग फी की। तो इस यूनिवर्सिटी की वैसे तो फी जो है वो है 44,950 RMB, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स चाइना नहीं जा सकते तो आपकी फी कम हो जाती है। तो आपको सिर्फ पे करना होगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट फी एंड ट्यूशन फी, जो कि आपका टोटल फर्स्ट ईयर का बनता है 38,000 RMB। ठीक है, अब सेकेंड ईयर की फी की बात करते हैं। अच्छा, तो सेकेंड ईयर से जो आपकी फी होगी वो होगी 24,600 RMB, जिसमें आप लोगों का ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, वीजा एंड इंश्योरेंस एडिड है। अच्छा जी, तो इस सारे फी में जो है ना, आप लोगों का पॉकेट मनी बिल्कुल भी ऐड नहीं है। पॉकेट मनी आपकी फैमिली ने आपको हर मंथ सेंड करना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडियल अमाउंट बता देती हूँ, जो कि है अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल लाइफ गुजारे, लाइक एक्स्ट्रा खर्च ना करे और ज़्यादा डाउन भी ना हो, एक नॉर्मल लाइफ गुजारे चाइना में, तो फिर उसे 1,000 RMB चाहिए ही चाहिए फॉर मंथली पॉकेट मनी। अच्छा जी, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब चलते हैं एक वीडियो क्लिप की तरफ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यूनिवर्सिटी किस तरह दिखती है, आप लोगों को पता हो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी है किस तरह की। चल गया कि यूनिवर्सिटी किस तरह की दिखती है और यूनिवर्सिटी किस तरह की है, एंड यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, फी कितनी है, सब कुछ आप लोगों को पता चल गया। ज़रूरी नहीं है, हम नहीं कहते कि आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। आप चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सबसे पहले हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करें कि क्या हमारी टीम आपकी एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में करवा सकती है या नहीं। हमारा टीम की पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कभी भी पछताए ना और पाकिस्तान आकर आगे चलकर आपके लिए कोई मुश्किल या कोई टफ टाइम ना आए। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमारी टीम से फौरन कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम के व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।